सो है गाइस, सो मेरा नाम है नितिन गहलोत और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेज़ॉन पर शॉपिंग करते हो तो आप अमेज़ॉन से कोई भी प्रोडक्ट जो आप बाय करते हो, अगर आपको मान लो उसमें कोई क्वालिटी इशू वगैरह आता है या परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उसको रिटर्न कैसे कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि बहुत से इशू आ जाते हैं, आप रिटर्न करने जाते हो तो कस्टमर सर्विस में भी आपको कभी कभी कॉल करना पड़ जाता है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 100% श्योरली एंड जेन्युइन तरीके से आप रिटर्न कैसे कर सकते हो। आपको बस इन बातों का ध्यान रखना है, ऑर्डर को परचेज करने से पहले ही आपको इन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप ऑर्डर करने के बाद अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप उसको आसानी से रिटर्न कर सकते हो, आपको कोई कस्टमर कॉल नहीं करना पड़ेगा। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ताकि मैं आपको यहाँ पे बहुत शो कर सकूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। चलते हैं। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन देख पा रहे हो तो चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउजर में और चलाते हैं, ओपन करते हैं इसको अमेजोन शॉपिंग ऐप को। यहाँ पे जैसा कि मान लो मैं कोई भी रेंडमली आइटम चूज कर लेता हूँ, जैसे मान लो ये मेरे को गिम्बल लेना है मेरे को। इसकी प्राइस देख लेता हूँ एक बार, कितनी प्राइस है इसकी। इसको बाय करने से पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि अगर मेरे को बाय करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, फ्री डिलीवरी, पे ऑन डिलीवरी और 7 डेज का रिप्लेसमेंट, अमेजोन डिलीवर्ड है। और यहाँ पे जो अमेजोन डिलीवर्ड है इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो सारी जिम्मेदारी अमेजोन की होगी, वो डिलीवर भी अमेजोन ही करेगा और आपको रिटर्न करना है तो पिकअप भी अमेजोन करेगा। बट यहाँ पे अगर लिखा हुआ वो सेलर का नाम होगा, सोल्ड बाय एंड डिलीवर्ड बाय उस सेलर का नाम होगा, जो सारी जिम्मेदारी होगी वो सेलर की होगी। सेलर आपको भेज तो देगा बट अगर आपको रिटर्न करना पड़े पड़ना जाए तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, मतलब आपको सेल्फ शिप करना पड़ेगा उसको। लेकिन यहाँ पे अमेजोन डिलीवर्ड है सो अमेजोन खुद ही आपसे पिकअप कर लेगा उसको। 7 डेज का रिप्लेसमेंट है। इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ कि 7 डेज के रिप्लेसमेंट में आप रिटर्न करवा सकते हो अगर आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बट इसमें एक और पॉलिसी जो आपको मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिंपली 7 डेज के रिप्लेसमेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हो रिप्लेसमेंट का रीजन है और रिप्लेसमेंट का पीरियड भी दे रखा है और रिप्लेसमेंट की पॉलिसी है। इसमें सिर्फ आप रिप्लेस कर सकते हो, इसमें आपको कहीं भी रिटर्न का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन उन्हीं पर मिलता है जो कि एलिजिबल होते हैं रिटर्न के लिए। अगर आपको इसमें कोई क्वालिटी इश्यू आता है तभी आप इसको रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट के भी कोई कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप फिजिकल डैमेज है, अगर आपका मान लो कोई प्रोडक्ट फिजिकल टूटा फूटा है या डिफेक्टिव है या आपको कोई गलत आइटम मिल गया है या आइटम में कुछ मिसिंग है तो आप रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको डायरेक्ट ही इसको रिटर्न करना है तो आप रिटर्न नहीं कर सकते। ये था रिप्लेसमेंट की पॉलिसी वाला। एक और हम चलते हैं कोई अनदर चीज़ के बारे में जिसको हम देख लेते हैं। जैसे मेरे रिसेंटली मैंने एक चीज़ ऑर्डर की है उसी को मैं आपको दिखा देता हूँ, हम रिटर्न्स एंड ऑर्डर्स में चलते हैं। ये मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया है एक ड्रोन है डेलियंसा का। करेंटली तो अनअवेलेबल है बिकॉज सब मैंने इसको बाय किया था, उस ये लास्ट ही बचा हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न पॉलिसी है इसमें, मतलब मैं इसको 10 दिन के अंदर रिटर्न कर सकता हूँ। अभी तो रिटर्न पॉलिसी शो नहीं कर रही है बिकॉज यहाँ पे जो ये करेंटली अनअवेलेबल बता रहा है तो इसकी वजह से इसकी रिटर्न पॉलिसी भी हाइड कर दी है। बिकॉज यहाँ पे अब रिटर्न पॉलिसीज में आपको सारी पॉलिसीज देखने को मिलेंगे, जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो आप सब यहाँ पे सब आपको कैटेगरी दिख रही है, बट जो पहले था उसमें आपको सिर्फ इस प्रोडक्ट के बारे में रिप्लेसमेंट रिटर्न के बारे में बताया जा रहा था। अगर आपको डायरेक्ट रिटर्न का ऑप्शन मिले तभी आप उस प्रोडक्ट को बाय करना, और बाय करना हो तो रिटर्न के लिए ही करना। अगर आपको उसमें रिप्लेसमेंट का भी दे रखा है फिर भी आप कर सकते हो, बट अगर सिर्फ रिप्लेसमेंट दे रखा हो और इसमें अगर आप चेक कर लेना कि रिप्लेसमेंट में भी अगर आप क्वालिटी इश्यू के बाद आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। बिकॉज रिप्लेसमेंट में कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपको पहले तो रिप्लेसमेंट कर दिया था कंपनी की तरफ से, बट कंपनी क्या है कि समझदार है, कंपनी को पता है कि बार बार एक ही प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कंपनी क्या करती है, एक बार रिटर्न रिप्लेस के बाद रिटर्न कर देती है, रिफंड कर देती है कस्टमर को। यही कंपनी का नियम है और आपको क्या करना है, इन कंपनी के जो पॉलिसीज है इसको इग्नोर नहीं करना। बिकॉज आप जल्दी जल्दी में इसको इग्नोर कर देते हो और डायरेक्ट ही इसको परचेस कर ले। कोई इश्यू आ जाता है कि भाई कोई महंगा आइटम आपने मान लो परचेस कर लिया,
बट उसमें पॉलिसी ऐसी है कि नॉन रिटर्नेबल है, मतलब आपको इसको ना रिप्लेस करते हो, ना रिप्लेस कर सकते हो, ना ही इसको रिटर्न कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, बस आपको घर में ही रखना पड़ेगा इसको। सो बस यही था आज का वीडियो। और अगर आपको रिटर्न जानना है कैसे करते हैं रिटर्न, सो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे करना है आपको रिटर्न। रिटर्न के लिए आपको जैसे कोई प्रोडक्ट है उसमें आपको, जैसे ये प्रोडक्ट है आप मोबाइल में देखोगे, आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो जैसे यहाँ पे देखो ट्रैक पैकेज के जस्ट नीचे आपको रिक्वेस्ट कैंसिलेशन का, अभी तो ये मेरे अराइविंग मतलब मंडे को आने वाला है, सो यहाँ पे रिक्वेस्ट कैंसिलेशन कर सकता हूँ। अगर मैं इस प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहता तो मैं इसको बीच में ही कैंसिल कर सकता हूँ। और यहाँ पे रिटर्न आइटम यहाँ पे दे रखा है तो मैं इसको वापस रिटर्न भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये रिटर्न पॉलिसी है। मैंने बहुत छानबीन करके ही इसको ऑर्डर किया, बिकॉज मेरे को बहुत से आइटम ऐसे मिले थे जो कि नॉन रिटर्नेबल थे और कुछ रिप्लेसमेंट वाले भी थे, बट यही एक था जो कि मेरे को रिटर्न में मिला, बिकॉज मेरे को इसको रिव्यू करना था इसलिए मैंने इसको परचेस किया। अगर आपको भी ये लेना है, अगर आप बाई करना चाहते हो या चेकआउट करना चाहते हो इसको, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं इसका रिव्यू भी करूंगा, मेरे रिव्यू में आप देख सकते हो। और बस रिटर्न करने के बाद आपको बस यहाँ पे देख सकते हो, मैं जैसे इसको रिटर्न करता हूँ, रिटर्न पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल तो, क्योंकि अभी कह रहा है कि दिस आइटम इज नॉट एलिजिबल फॉर रिटर्न, बिकॉज अभी तक ये मेरे पास आया नहीं है, सो मैं अभी इसको रिटर्न नहीं कर सकता। जब ये मेरे पास आ जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा घर पर, तो मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ। सो बस आज की वीडियो यही थी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियोज़ आपके मोबाइल में शो होती रहे और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। सो वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।